अनुपम खेर पहुंचे एक बुक लॉन्च इवेंट पर और इस इवेंट पर उनकी मौजूदगी का देखिए क्या दिया उन्होंने रीजन। मुझे अच्छी चीज की खुशबू आ जाती है और जिस चीज में जेन्युइननेस इन्वॉल्व हो वो चाहे कोई भी चीज हो उसमें मैं टाइम निकाल ही लेता हूँ। जहाँ एक अमाउंट ऑफ फेकनेस है वहाँ जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आई एम जेन्युइनली हियर नॉट बिकॉज आई नो देम बट बिकॉज आई बिलीव इन व्हाट ही इज अबाउट टू से थ्रू दिस बुक। जी हाँ, अनुपम खेर मानते हैं कि उन्हें फेक प्रेजेंस कहीं भी करना पसंद नहीं है और जिस चीज को वो जेन्युइनली मानते हैं उसके लिए वो आगे आते हैं, जैसे कि इस बुक लॉन्च इवेंट पर अनुपम खेर आए। चलिए, जिस काम के लिए यहाँ अनुपम जी पहुँचे हैं उनसे उसके बारे में पूछ भी लेते हैं कि क्या उन्होंने ये बुक पढ़ी है या नहीं। कंपनी मुझे टेस्ट करना चाह रही है मैंने किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़ी है, मगर मेरी दादी कहा करती थी कि चावल गल गए हैं नहीं, पूरा चावल देखने की जरूरत नहीं, एक दाना निकाल के देखना पड़ता है। तो ये बहुत गली हुई किताब है। वेल, इस इवेंट पर आ तो गए अनुपम खेर पर बिना इस बुक को पढ़े और इसके बारे में हमें स्मार्टली रिप्लाई भी दे दिया। चलिए, जैसा आप मानते हैं वैसा ही बुक लवर्स भी आपकी इस बात से सहमति दे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।